So let's start the exercise 1. Write the number names. अभी आपको यहाँ पर numbers दिए हैं, उसके number name लिखना है. यहाँ है 758. So यहाँ लिख लेंगे हम 758. नेक्स्ट 400 7 680 6 hundred eighty 14. सो ये हमने नंबर नेम लिख लिया है. नेक्स्ट राइट द न्यूमरल्स. अभी आपको यहाँ नंबर नेम्स दिए हैं, अब आपको नंबर्स लिखना है. ऊपर आपको नंबर्स दिए थे, नंबर नेम्स लिखना था. अभी यहाँ पर नंबर नेम है 555. 500 का 5 लिख लेंगे और 55 का 55. 300 में बीच में 0 आएगा, देन 1 आएगा. 846 का 8, 46 का 46. 692 का 6, 92 as it is. 113 का 1, 13 का 13. 900 Next, write the expanded form. अभी आपको एक example दिया है, यहाँ दिया है 458. expand करना है means आपको छोटा सा दिया जाएगा, उसको आपको बड़ा करके लिखना है. अभी यहाँ पर आपको direct दिया था 458, लेकिन आपको उसको बड़ा बड़ा करना है. 4 कौन से place पर है? 100 के. So 400 हो जाएगा. प्लस 5 कौन से प्लेस पर है? टेंस की. सो 50 हो जाएगा. 8 कौन से प्लेस पर है? वंस की. सो यहाँ पर ओनली 8 रहेगा. तो हमें एग्जांपल्स सॉल्व करना है. यहाँ दिया है 261, तो ये 100 की प्लेस पर है. प्लेस वैल्यू 2 की 100 है. सो यहाँ पर 200 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा. ये टेंस की प्लेस पर है, सो ये 60 हो जाएगा. और वंस की प्लेस पर 1 ही आएगा. 802 है. 100 की प्लेस पर 8 है, मींस 800. प्लस टेंस की प्लेस पर यहाँ 0 है, मींस कुछ नहीं, तो 0. वंस की प्लेस पर 2 है, 2 एज इट इज़ आ जाएंगे. 390, ये वंस टेंस 100, यहाँ 300. प्लस टेंस पर 90, वंस यहाँ पर 0 है, हम एज इट इज़ ले लेंगे. 666, 600 प्लस 66 का 60 प्लस 6. अगर आप इन सब का एडिशन करेंगे तो ये आंसर मिलेगा आपको. ये
हमने ये छोटे को ही एक्सपांड किया है, बड़ा करके बताया है, ये इन सब का एडिशन ही इतना आता है। सो 715, सो 700, ये वन का, हंड्रेड प्लस 715, सो 700 एज इट इज, एंड यहाँ पर 15, आ जाएगा यहाँ पर। ओके सॉरी, यहाँ पर ये नहीं आएगा, ओनली टेंस की प्लेस पर यहाँ पर वन है, मीन्स ओनली 10, और वंस की प्लेस पर 5। ओके तो 715। सो नेक्स्ट राइट द न्यूमरल्स, अभी आपको नंबर लिखना है। यहाँ पर आपको टेंस वंस के फॉर्म में दिया है, यहाँ पर है 500 प्लस 2 टेंस। 500 मीन्स आपको यहाँ पर लिख देना होगा 500 प्लस 2 टेंस, मतलब 2 टाइम आपको 10 10 लेना है, 10 प्लस 10, अंडरस्टूड। तो अभी आपको ये सब का एडिशन कर देना है, कितना हो जाएगा 500 में 10 और 10, मतलब 20 20 ऐड कर दे, तो 520, 500 का 5, 20 का 20, अंडरस्टूड। नेक्स्ट 900 एज इट इज़ लिख लेंगे हम, 600 प्लस 9 वंस, 600 का हम ऐसा लिखते हैं प्लस 9 वंस, यहाँ पर टेंस नहीं दिया है, यहाँ वंस दिया है, इसलिए हम डायरेक्ट 9 ले लेंगे। अभी 600 में 9 ऐड करो, एडिशन करने पर कितना होगा 609। हमने यहाँ पर डायरेक्ट 9 क्यों नहीं लिया 6 के बाद, क्योंकि 6 के बाद डायरेक्ट 9 आता तो 69 हो जाता, इसलिए हमने 609 लिया है। नेक्स्ट 100 प्लस 6 टेंस प्लस 7 वंस, 100 हम यहाँ 100 ले लेंगे प्लस 6 टेंस, मतलब 6 टाइम हमको 10 10 10 लेना है, तो उसका एडिशन 60 आ जाएगा, प्लस 7 एज इट इज़, अभी ये सब का एडिशन करना है, तो कितना हो जाएगा 167। सेवन हंड्रेड 4 टेंस प्लस 8 वंस, 700 को हम ले लेंगे, 700 प्लस 4 टेंस, मतलब 10 10 10 10 4 टाइम्स लेना है, तो वो हो जाएगा 40 प्लस 8 को एज इट इज, तो 700 प्लस 40 प्लस 8 को एडिशन करने पर 748 आंसर मिलेगा। अभी यहाँ पर 100 का प्लेस नहीं दिया है, यहाँ पर डायरेक्ट टेंस दिया है, 6 टेंस प्लस 3 वंस, हम डायरेक्ट टेंस लेंगे, 6 टेंस मतलब आपको 10 10 को 6 टाइम एडिशन करना होगा, प्लस करना होगा, तो 60 हो जाएगा, प्लस 3 का 3, जब 60 में आप 3 एडिशन करेंगे तो 63 हो जाएंगे। नेक्स्ट राइट द प्लेस वैल्यू, राइट द प्लेस वैल्यू, अभी आपको यहाँ पर नंबर दिए हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 450, अभी आपको यहाँ नंबर दिए हैं, आपको प्लेस वैल्यू लिखना है, मीन्स ये यहाँ पर 450 नंबर दिया है, ये क्या आता है, वंस में आता है, ये टेंस में आता है, और ये 100 में आता है। अभी यहाँ पर पूछा है 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100 में आता है, इसलिए 4 की प्लेस वैल्यू
हंड्रेड है, मीन्स 400 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स इन 786। अभी यहाँ पर सिक्स की प्लेस वैल्यू पूछा है, इस नंबर में 786 में सिक्स की प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये वंस पर है तो वन आ जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन इन 509, ये नाइन भी वंस की प्लेस पर है, वन आ जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो इन 406, यहाँ पर ज़ीरो की प्लेस वैल्यू क्या है, ये वंस है, ये टेंस है और ये हंड्रेड का प्लेस है, तो ज़ीरो की प्लेस वैल्यू है टेंस। सो टेन लिख देंगे क्योंकि टेंस प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू ऑफ टू इन 120, टू की प्लेस वैल्यू क्या है, ये भी टेंस है, टेन लिख देंगे, टेंस टेंस। ये 400, ये वंस। प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री इन 39, थ्री की प्लेस वैल्यू क्या है, ये वंस में आएगा, ये टेंस में, टेंस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स बिफोर द गिवन न्यूमरल्स। अभी यहाँ पर आपको नंबर दिए हैं, इससे पहले बिफोर में कौन सा नंबर आएगा आपको पहचानना है। 270 दिया है, 270 का बिफोर नंबर क्या है, 269। जैसा कि आप काउंट करते हो 68, 69, 70, 69 के बाद ही 70 आता है ना, तो वैसा ही 270 से पहले 269 आता है। अभी यहाँ पर 671 है, सो इसका बिफोर नंबर 670 आएगा। यहाँ पर 999 है, तो बिफोर नंबर 998 आएगा। यहाँ पर 599 है, 599, तो इसका बिफोर नंबर 598 आएगा। यहाँ 845 है, 845 का बिफोर नंबर 844 आएगा। यहाँ पर 100 है, 100 का वन बिफोर नंबर क्या है, 99। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स आफ्टर द गिवन न्यूमरल्स। अभी हमने बिफोर नंबर लिखा है, अभी हम आफ्टर नंबर लिखेंगे, मतलब ये नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है। 505 दिया है, इसका एक नंबर एडिशन कर दो, इसमें वन प्लस कर दो, 506 हो जाएगा। 699 में वन एडिशन कर दो, 700 हो जाएगा। 742 में वन एडिशन कर दो, 743 हो जाएगा। 411 में वन एडिशन कर दो, 412 होता है। 999 में वन एडिशन कर दो, 1000 हो जाता है। 110 में वन ऐड कर दो, 111 होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्कीप काउंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमने स्किप काउंटिंग देखा है, स्किप काउंटिंग यहाँ पर दिया है 345, फिर दिया है 355, फिर 365, मीन्स यहाँ पर 10 से स्किप काउंटिंग ली है, 10 की स्किप काउंटिंग करना है। यहाँ पर 60, यहाँ 45 लिया है, 55 लिया है, 65 लिया है, अब यहाँ आएगा 375, फिर आएगा 385, देन 395, सेम 220 दिया है, 320, 420, यहाँ पर 10 की स्किप काउंटिंग थी। अब बी में हमें 100 की स्किप काउंटिंग लेना है, यहाँ पर
220 था, 320, 420, अभी हमको 520 लेना है, देन 620, देन 720, ओके। यहाँ पर दिया है 160, 170, 180, यहाँ पर हमको 10 की ही स्किप काउंटिंग लेना है, तो 180 के बाद 190, 100, नो 200, देन 210, ओके, देन डी 581, 571, 561। अभी ये हमने ऊपर के फॉरवर्ड काउंटिंग देखा जो आगे जाते थे, अभी हमको यहाँ पर पीछे जाना है, 10 10 लेस करना है, मीन्स यहाँ पर -10 करना होगा, यहाँ 581 है, 571, 561, अभी 551 आएगा, देन 541 आएगा, देन 531 आएगा, यहाँ है 850, 750, 650, यहाँ पर 100 100 लेस करना है, मतलब 100 की बैकवर्ड काउंटिंग लेना है, सो यहाँ 650 था तो 550, 450, 350, नेक्स्ट 730, 720, 710, अभी यहाँ पर 10 10 की बैकवर्ड काउंटिंग है, यहाँ पर आ जाएगा 700, देन 690, देन 608, ओके। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग साइंस, अभी ये साइन जो सिंबल्स हमने ग्रेटर, लेजर और इक्वल टू के देखे थे, हमें यहाँ पर यूज़ करना है। 342 और 60 में से कौन सा नंबर बड़ा है, हमें समझ में आ रहा है क्लियर कि 342 बड़ा नंबर है, सो बड़े नंबर की तरफ हम माउथ को ओपन करेंगे और ये सिंबल का यूज़ करेंगे। देन 919 और ये है 999, हम देखेंगे 100 का प्लेस, यहाँ पर 99 है, फिर देखेंगे 10 का प्लेस, टेंस का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, कौन सा बड़ा है नंबर, 9, सो इससे हमें समझ में आता है कि ये नंबर मोर है देन 919 के, सो हम ये सिंबल का यूज़ करेंगे। 195 एंड 193 में से कौन सा है बड़ा, ये 900 की प्लेस पर सेम डिजिट है, टेंस की प्लेस पर भी सेम डिजिट है, बट वंस की प्लेस पर किसका ज़्यादा डिजिट है, 5 का, तो ये नंबर ग्रेटर है, तो हम ये यूज़ करेंगे सिंबल। 679 679 इक्वल है, सो इक्वल की सिंबल यूज़। 812 890, विच नंबर इज मोर, सो वंस की प्लेस पर 100 की प्लेस पर देखेंगे 88 है, टेंस की प्लेस पर यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, मीन्स 9 नंबर जो बड़ा है वहाँ पर हम ये माउथ को ओपन करें। 555 558, अभी देखना है हमें 100 के प्लेस पर सेम नंबर, टेंस पर भी सेम, बट वंस पर यहाँ पर 8 मोर है, सो दिस सिंबल वी यूज्ड। नेक्स्ट राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, अभी असेंडिंग ऑर्डर पता है कि स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ जाता है, जो छोटा है वो सबसे पहले आएगा, इसमें से हमें देखना है छोटा कौन सा नंबर है, 876, 752, 900, 599, अभी इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, पहला पहला डिजिट आपको देखना होगा।
ये वाला 100 का, 8 छोटा है या 7 छोटा है या 9 छोटा है या 5 छोटा है? 5 छोटा है, सो 5 हम पहले लेंगे, 599। अभी 5 से बड़ा डिजिट छोड़ा कौन सा है, 9 है, 7 है या 8 है? 7 है, तो ये 7 के आ जाएगा। देन 7 से बड़ा 8 का आता है, तो 876 आ जाएगा। देन 900 आ जाएगा। सेम इसी तरह आपको देखना है फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 540, 450, 550, 404। आपको पहला पहला डिजिट देखना है सब नंबर्स का। अभी देखो ये 4 है, ये भी 4 है, तो अगर ये 100 की प्लेस का डिजिट सेम हो तो आपको टेंस के प्लेस का देखना है कौन सा छोटा है। यहाँ पर 5 है, यहाँ 0 है, तो 0 छोटा है, तो हम ये पहले ले लेंगे 404। उसके बाद ये आ जाएगा 450। देन ये 540 है, 550 है। अभी ये 100 के प्लेस पर दोनों जगह 5 5 है, तो हमें देखना होगा टेंस की प्लेस पर कौन सा छोटा है। तो 4 छोटा है, 5 बड़ा है, तो जो छोटा है वो पहले आ जाएगा, 440, देन 550। इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर हो गया। राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अभी हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। अभी बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाएंगे। बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट के लिए हमें देखना होगा बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 777, 717, 700 और 707। तो हमें 707 छोटा है लग रहा है, 7 लिख दी, नो बिगेस्ट नंबर पहले लिखेंगे। सो बिगेस्ट 777, उससे थोड़ा छोटा ये आ जाएगा 717, उससे थोड़ा छोटा 707, उस सबसे छोटा 700। सेम इसी तरह ये भी करेंगे। बड़ा नंबर कौन सा है, ये 998, उसे थोड़ा छोटा 436, देन 210, देन 99। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अभी आपको मैच करना है वन मोर देन 100 99। अभी ये बोल रहा है 99 से वन मोर, मतलब ये 99 है, वन मोर मीन्स हमको वन प्लस करना है, तो क्या हो जाएंगे 99 प्लस वन 100। हेयर इज 100, तो मैच द 100। 50 tens, 50 tens मीन्स 10 10 का एडिशन आपको 50 टाइम करना है, तो 500 होता है, तो हम मैच कर लेंगे 500। 6 tens मतलब 6 टाइम आपको 10 का एडिशन करना है, तो 60 आंसर आता है। 100 10 100 10 100 मीन्स 10 टाइम आप 100 को प्लस करेंगे तो आपको 10,000 मिलेंगे, 1,000 आंसर। ओके, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, मतलब जहाँ पर जो 3 डिजिट नंबर सबसे बड़ा है वो 999 है, सो मैच कर लेंगे। डन। देन शो द नंबर्स ऑन द एबेकस। अभी यहाँ नंबर दिए हैं आपको एबेकस पर शो करना है, मीन्स हमको बिट्स ड्रॉ करना है। यहाँ है 400, 100 की पोजीशन पर 4 है, सो हमको 4 बिट ड्रॉ कर लेना है। हो गए, वंस पर वो टेंस पर 1 है, सो 1 बिट, और वंस पर 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम 100 के प्लेस पर 6 है, 6 बिट ड्रॉ करना है। यहाँ टेंस की प्लेस पर 0 बिट, मीन्स हम ड्रॉ नहीं करेंगे,
वंस की प्लेस पर हमको 5 भी ड्रॉ करना पड़ेगा। सेम इसी तरह 100 की प्लेस पर 7 है, सो हम 100 के प्लेस पर 7 बीट्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। टेंस पर 3 बीट्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3। वंस पर 0 बीट्स मतलब बीट्स ड्रॉ नहीं करेंगे। 922, 100 की पोजीशन पर 9 है, सो हम 9 बीट्स ड्रॉ करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9। टेंस पर 2 बीट्स ड्रॉ करेंगे, वंस पर भी 2 बीट्स ड्रॉ करेंगे। सो इस तरह से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।